नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभी। उपकरण कार्यालय में आज कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा वित्तीय सहयोग ONGC के सहयोग से गोदत गांव लुनी में सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत ऑक्सीजन पार्क विकसित कर उपखंड कार्यालय के पीछे विभिन्न किस्म के 600 पौधे लगाए गए और उपखंड कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसके मुख्य अतिथि लुनी विधायक महेंद्र विश्नोई रहे, जिनका कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से साफा माला और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। सम्मान समारोह के पश्चात वृक्षारोपण में विधायक महेंद्र विश्नोई, उपखंड अधिकारी गोपाल परिहार, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर VR चौधरी, ईश्वर सिंह निदेशक और समस्त ग्रामीण जन की मौजूदगी में विधायक महेंद्र विश्नोई के कर कमलों द्वारा फीता काट ऑक्सीजन पार्क में पौधे लगाने का कार्य आरंभ हुआ। विभिन्न किस्म के 600 पौधे लगाए गए। सर्वप्रथम विधायक विश्नोई ने अपने नाम का एक पौधा लगाया और उन्होंने कहा कि इस तरह हर व्यक्ति एक पौधा लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प ले। विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा भी अपने नाम का एक पौधा लगाया और उसे पेड़ बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने पहले भी गोदित गांव में पौधे लगाए हैं और आगे भी लगाते जाएंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कृषि विश्वविद्यालय को, दूनी के अंदर पौधारोपण का प्रोग्राम रखा है। बाकी ये काफी चीजें जिस प्रकार से बताया, जो बीज है, बीज में देने के लिए ये परिवार लुनी गांव को गोद लिया था और लेके विश्वविद्यालय यहाँ पे एक पार्क डेवलप कर रहा है, जिसमें लगभग 20 प्रजातियों के 600 पौधे लगाएंगे तथा किसानों को यहाँ पे बाजरा का उन्नत किस्म के हाइब्रिड बीज, तिल का बीज और गांव में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसके लिए प्रयास कर रहा है। आज लुनी के अंदर कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से ऑक्सीजन के लिए बढ़ोतरी हो, लुनी के अंदर ऑक्सी पार्क बनाया है इन्होंने, इसके अंदर करीब 600 पौधे लगाए हैं। मैं कृषि महाविद्यालय को और इनके VC साहब को धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने लुनी के अंदर बहुत अच्छा ये कार्यक्रम किया। ये पहले भी जो किसानों के लिए बीज की व्यवस्था हो इन्होंने की है, उसके अंदर अच्छा बीज किसानों को, गुणवत्ता के बीज मिले, उनको उत्पादन ज़्यादा मिले, कम लागत में।